भाई कोरोना काल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, और अभी भी कंटिन्यू है और पता नहीं कब खत्म होगा ये कोरोना पोरोना और मतलब कब तक चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ यहाँ पे टिकटॉक को, और यहाँ पे टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका था कुछ टाइम पहले, आपको पता होगा। अब टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया, काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे और जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उनकी हमारे इंडिया को लेकर वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो चीज़ अच्छी हुई, काम अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर भी बैन होने के बावजूद भी कुछ शिकायतें, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी मार्केट में। टिकटॉक था तो एक चीज कर पाते थे हम, वो ये कि एक्सरसाइज। कैसे? टों 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 टों, हाथों का एक्सरसाइज तो हो जाता था, उंगलियों की मूवमेंट हो जाती थी, और काफ़ी लोग यहाँ पे बोलते थे कि हाँ भाई इतनी एक्सरसाइज तो कर ही लेते हैं कि कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। लेकिन अब टिकटॉक के जाने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई वो ये आई यहाँ पे कि भाई एंटरटेनमेंट का सोर्स खत्म हो गया, मतलब एक क्विक एंटरटेनमेंट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती थी, वो सब कुछ यहाँ बंद हो गया। तो टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे पहले क्या हुआ, आपके लिए फिल्टर करके कुछ एप्लीकेशन जो टिकटॉक वाले लेवल के नहीं है, बट हाँ पूरी कोशिश कर लें कि टिकटॉक जैसा बन पाए, बिकॉज सी टिकटॉक जो है काफ़ी पुराना हो चुका था। तो ये वो एप्लीकेशन है, अगर आप टिकटॉक का अल्टरनेटिव चाहते हो कि भाई आपको टाइम पास करना थोड़ी बहुत यू नो ये भी करना है तो लेट्स गो। तो यहाँ पे ये जो है कुछ फिल्टर करके एप्लीकेशन लेके आया हूँ मैं, इनमें से सबसे पहला जो है वो है शेयर चैट, इसको कर लेते हैं ओपन। और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आता है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इस पे, ये मतलब एक काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज मेड इन इंडिया का जो लोगो और जो स्लोगन चल रहा है मोदी जी के बाद कि भाई लोकल को वोकल बनाओ, तो ये एक लोकल टू वोकल का एग्जाम्पल है। मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया, भोजपुरी, असामीज, राजस्थानी, हरियाणवी एंड ऑल उर्दू भी है इनफैक्ट। तो कुछ नहीं करना, दोबारा यहाँ पे आपको सिर्फ स्वाइप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे वीडियोज भी है और इमेजेस भी है, दोनों का मिक्स है ये, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है और ये वीडियो चालू हो गई है। वेल कंटेंट की बात करें तो मतलब मेरे को इतना अपीलिंग कंटेंट नहीं दिखा, कॉपी पेस्ट टाइप कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इतनी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। बात करें दूसरे एप्लीकेशन की तो वो है रोपोसो, और रोपोसो में भी ये रहा मेड इन इंडिया, इंडिया का अपना वीडियो ऐप लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और ये कुछ कुछ आपको टिकटॉक वाली फील देगा, बिकॉज वेल सर रोपोसो में आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिल जाता है। तीसरा एप्लीकेशन है हमारे पास एमएक्स टकाटक, एमएक्स आपको पता होगा काफ़ी पुराना एप्लीकेशन है, एमएक्स प्लेयर भी था, एमएक्स की बात काफ़ी सारी चीज़ें थी। वेल बात करें एमएक्स टकाटक की, तो यहाँ पे कुछ ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक पे आपको देखने को मिलते थे, काफ़ी पॉपुलर थे, अब भी टिकटॉक बंद हो गया तो वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे एमएक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रमोट किया है उन क्रिएटर्स को, सबको खींच के लाने के लिए। एमएक्स टकाटक एक अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है टिकटॉक का अल्टरनेटिव। चलो अगला देखते हैं, वो है भाई चिंगारी। तो ये आ गई चिंगारी एज अ लोगो है इसका ओपनिंग का। वेल बात करें चिंगारी में तो यहाँ पे कंटेंट ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, और ऐप भी थोड़ा मुझे बगीचा लगा, दे नीड टू वर्कआउट, काफ़ी काम करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे, लेकिन हाँ मिला जुला के चीज़ें ठीक है, और एंटरटेनमेंट चाहिए, टाइम पास चाहिए, तो चिंगारी भी आप कर सकते हो। भाई अगला है मित्रों, तो मित्रों को कर लेते हैं ओपन। टिकटॉक के बंद होने के बाद मित्रों काफ़ी जल्दी लॉन्च हो गया था और काफ़ी पॉपुलैरिटी इसने गेन कर ली थी थोड़े से टाइम में, तो मित्रों भी एक अच्छा एप्लीकेशन अल्टरनेटिव हो सकता है। टिकटॉक का बात करें क्रिएटर्स की, तो ओरिजिनल कंटेंट थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, कुछ टिकटॉक वाले क्रिएटर्स भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं, टाइम पास और आपकी ये उंगली वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप मित्रों पर जा सकते हो, और फ्यूचर हो सकता है इस एप्लीकेशन का अच्छा खासा, लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये। और भाई आखिरी एप्लीकेशन है वो है जोश।
तो जोश को कर लेते हैं लॉन्च। और यहाँ पे मेड इन इंडिया का लोगो लग गया है, परमिशन चाहिए तो अनुमति दे देते हैं भाई। ये क्रिएटिव था। जोश पे भी आपको इतना मतलब ओरिजिनल कंटेंट देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा मिला जुला कंटेंट है, कॉपी पेस्ट इधर उधर से। और जैसे ये यू वीडियो का उठा के किसी ने डाल दिया है, पीछे मित्रों का उठा के डाल दिया था, यहाँ पे टिकटॉक की वीडियोज यहाँ पे शेयर हो गई है। तो जो ओरिजिनलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर ब्रांड्स की कॉपी है, कॉपी पेस्ट है, कुछ भी इमेज जोड़ के बना रखा है। और एप्लीकेशन भी थोड़ा बगीचा है, लेकिन जोश हाई रहना चाहिए, क्या पता ये भी भाई अच्छा काम कर जाए। इनके सबके डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां पे सीधे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।